मुजफ्फरपुर जिले से 28 किलोमीटर पश्चिम सरैया प्रखंड का ये है बसरा बाजार गांव। यहां लोग प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से काफी लाभ उठा रहे हैं। इन जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों के लिए जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध हैं, जो ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले काफी सस्ती होती हैं, और यही जन औषधि केंद्र खोलने का उद्देश्य भी है। इससे न सिर्फ लोगों को सस्ती दवाएं मिल रही हैं, बल्कि इससे रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हुए हैं। जन औषधि केंद्र खोलने में सरकार की तरफ से लोगों को करीब 2.5 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। यहाँ कॉमन सर्विस सेंटर के तहत ग्राम स्तर के उद्यमी मिथिलेश कुमार ने जन औषधि केंद्र खोला है। इससे उन्हें तो रोजगार मिला ही है, साथ ही साथ सरकार की इस योजना से वे ग्रामीणों को भी लाभ पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा टेलीमेडिसिन के माध्यम से दूर दराज बैठे लोग अपोलो और मेदांता जैसे बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिकित्सकीय परामर्श ले रहे हैं, और वो भी महज 50 रुपए में। टेलीमेडिसिन परामर्श में होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेद तीनों तरह के डॉक्टर मौजूद रहते हैं। महिला मरीजों ने बताया कि यहां सस्ती दवा के साथ साथ डॉक्टरी परामर्श मिलने से समय और पैसे की बचत तो हो ही रही है, उचित इलाज भी मिल जाता है। करंट लागे ला। मुजफ्फरपुर में इलाज कराई ली तो ना वहाँ ठीक भेलक, फिर यहाँ प्रधानमंत्री अथी खुल गेलक, तो यहाँ उहे दवा यहाँ करैली 150 में तो ठीक बा। 10-12 बड़ी दर्द का हो गठिया के पेशेंट है, तो बहुत हिया इलाज करैली, बहुत पैसा लागल, आज तक ले ठीक न भेल। तो हम जहाँ रही है 300-400-500 के दवाई गई, डॉक्टर के फीस गई, वहाँ यहाँ 34 रुपया में दवाई जो मिले बा, तो हमारा फायदा है। स्थानीय निवासी अविनाश कुमार और दिव्यांग अनिल यादव कहते हैं कि यहां सस्ती और सही दवा मिलने से काफी लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री की ये योजना गरीबों के लिए वरदान है। सर, हमको दिना हो गया था बहुत बड़ा, तो हम इलाज कराए थे अंग्रेजी दवा, मलहम बहुत लगाए, ठीक नहीं हुआ। हम चौक पर प्रधानमंत्री योजना वाला जो दवा दुकान खुला, वहाँ से हम लेकर दवा खाए, हमको अच्छा हुआ, ठीक हो गया। सबसे बड़ा फायदा है कि दवा सस्ती दर पर उपलब्ध है। मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ, जो दवाई 97 रुपये में बाजार में मिलती है वो 7 रुपये में यहाँ मिलती है। ग्लूकोफाइड सेम वही चीज़ रहता है, और दवा दुकानदार के द्वारा भ्रांति फैलाई जाती है कि यह दवा गड़बड़ है, लेकिन यह दवा तो सेम दवा है, जेनिक प्रोडक्ट है, सस्ती होती है। प्रधानमंत्री इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मुजफ्फरपुर जिले में अभी सिर्फ 4 जन औषधि केंद्र हैं। ग्राम स्तरीय उद्यमी मिथिलेश कहते हैं कि जन औषधि केंद्र गांव के गरीबों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। जन औषधि केंद्र खोलने से गरीब तबके के लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो सोच है उसको हम जमीनी स्तर पर ला रहे हैं, और हर गरीब को चाह रहे हैं कि ये दवा जन औषधि केंद्र से जुड़े और जुड़ के लाभ उठाए। जन औषधि केंद्र और टेलीमेडिसिन गरीबों के लिए आशा की किरण साबित हो रही है। जरूरत है इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में खोलकर और अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने की। मुजफ्फरपुर से संतोष कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।